इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में पिछले क्लास में आपने क्या किया था? तो पिछले क्लास में कोई खास बात नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम में पिछले क्लास में आपने देखा था कि हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट में खास कुछ भी नहीं है। इन द बुक ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड नहीं लिखते हैं, क्योंकि बीच में ही फायर लग जाता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम और टू लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, परचेज दिया रहेगा, साथ ही साथ अगर वेजेज है तो वेजेज भी लिखेंगे, सेल्स दिया रहेगा। लेकिन जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो यहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। अभी उल्टा है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे देगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जैसे ही हम लोग यहां पर लिखेंगे, यहां पर आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जिस दिन फायर लगा उस दिन हमारे गोडाउन में यही थे। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर। जितना क्लोजिंग स्टॉक था वो यहां लिखेंगे, और फिर हम लोग उसमें से लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? जो सेव्ड हुआ, सेल्वेज्ड या सेव्ड दिया रहेगा क्वेश्चंस के अंदर। तो मान लीजिए अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा 100,000 आ गया, उसमें से लेस किए 20,000 दिया हुआ है, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ कितना? 80,000। थर्ड स्टेप में सम्स कब जाएगा? जब आप का इंश्योरेंस का पॉलिसी का वैल्यू दिया रहेगा। पॉलिसी वैल्यू अगर दिए रहेंगे तो एवरेज क्लोज निकालते हैं, पॉलिसी का वैल्यू लिखते हैं जो ऑलरेडी दिया रहता है, डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, और इनटू क्या करते हैं? गुड्स लॉस्ट बाई फायर। अब देखो, जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे तो वहां पर हम लोग क्या देखते थे? फाइनल अकाउंट में एक चीज हम लोग बराबर देखे हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक है अगर वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसको यूनिफॉर्म करेंगे। यूनिफॉर्म करेंगे, जैसे कि मान लीजिए बोल दिया आपका ओपनिंग स्टॉक 110,000 है, 110,000 है, बट नीचे में बोल दिया कि ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, यानी 110,000 जो है वो 110% को बता रहा है, तो 100% कितना? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, मतलब यूनिफॉर्म करेंगे। यूनिफॉर्म करने से ही आपका एग्जैक्ट क्लोजिंग स्टॉक आएगा या फिर एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है? तो हम लोग एक सम्स 27 नंबर करेंगे, 27 नंबर, ये सीएस में आया हुआ सम्स है। पहले आप इसको समझ लो बढ़िया से, फिर हम लोग बनाते हैं। ड्यू टू ए फायर इन द गोडाउन ऑफ ए कंपनी, ड्यू टू ए फायर इन द गोडाउन ऑफ ए कंपनी ऑन सेप्टेंबर 30 यानी 30 सितंबर, उसको आप अंडरलाइन कर दो। द इंटायर स्टॉक, जितने भी स्टॉक थे वो फायर से खत्म हो गया, बट वहां पर एक बात लिखा हुआ है, सम स्टॉक कॉस्टिंग 70,000, लेकिन 70,000 का आपके पास सेव हो गया। द बुक्स वेयर हाउएवर सेव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन, द कंपनीज का जो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है बोलिए? 25% ऑन सेल्स, यानी इस बार 33/3 नहीं बोला, सेल्स दिया रहेगा, सेल्स का हम लोग क्या करेंगे? 25% ले लेंगे। ओपनिंग जो स्टॉक है, अंडरलाइन करो, 10% अबव कॉस्ट वाज 2,20,000, ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 दिया हुआ है, बट वो 10% ज्यादा है, तो 2,20,000 110% को बता रहा है, तो 100% कितना? द परचेज एंड सेल्स, परचेज और सेल्स भी आपको दिया हुआ है, 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर, यानी 1 अप्रैल स्टार्टिंग में और जिस दिन फायर लगा, परचेज है 3,00,000 का और सेल्स है 6,80,000। तो परचेज इधर लिख देंगे, सेल्स वहां लिख देंगे। वेजेज दिया हुआ है 1,44,000, द कंपनी गॉट द स्टॉक इंश्योर्ड 1,20,000, 1,20,000 का पॉलिसी का वैल्यू दिया हुआ है। द पॉलिसी हैड एन एवरेज क्लोज, और पॉलिसी में एवरेज क्लोज है, ये
आपको तीन स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप का सब कुछ दिया हुआ है, सेकंड स्टेप जो आपका स्टेप है उसमें ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कितने का गुड्स आपने सेव किया है, और थर्ड स्टेप में भी सम्स जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको पॉलिसी का वैल्यू दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर और क्लेम लॉस्ट। तो सबसे पहला काम फर्स्ट कीजिए, इन द बुक ऑफ कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। जब अगर पूरे एक साल के हो जाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं। मेमोरेंडम वही ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट वाला मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू सितंबर 2016। अप्रैल से शुरुआत हुआ लेकिन फायर का डेट क्या है, 30 सितंबर। छोटा सा बनता है आप लोग तो जानते ही हैं, डेबिट क्रेडिट और रुपीस इसको लिखने के लिए मत भूलिएगा। ओपनिंग स्टॉक, ये सम्स हम इसलिए करवा रहे हैं, ये देखिए ये जो ओपनिंग स्टॉक अभी दिया हुआ है इसका वैल्यूएशन है 2,20,000, बट आपको बोल रहा है 10% अबव कॉस्ट, बिलो कॉस्ट भी बोल सकता था, 10% ज्यादा है। इसका मतलब ये जो 2,20,000 है ये 110% को डिनोट कर रहा है। अगर आपको बोल देता कि 10% बिलो है, कम है, तो हम लोग 90 लिखते, बट यूनिफॉर्म निकालने के लिए 100 करेंगे तो आ गया मेरा कितना, 2,00,000। तो ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 नहीं लिखना है, हम लोग को कितना लिखना है, 2,00,000। परचेज दिया हुआ है, और परचेज आपको दिया हुआ है अप टू द डेट ऑफ फायर 3,00,000। आपको सेल्स भी दे दिया है, ₹6,80,000। वेजेज दिया हुआ है, और वेजेज दिया हुआ है 1,44,000। देखो अभी अगर हम लोग चाहेंगे कि सम्स कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, अब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है क्योंकि फायर लगा है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25% ऑन सेल्स। सेल्स देखिए आपको दिया हुआ है 6,80,000, तो सेल्स है 6,80,000, और इसी का कितना परसेंट हम लोग ले लेंगे, 25%। तो अभी आप 6,80,000 का 25% करेंगे तो आ गया 1,70,000। टोटल आ गया 814,000। हम लोगों का
क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ चुका है, यानी जिस दिन फायर लगा उस दिन हमारे गोडाउन में या दुकान में कितने का सामान था? 1,34,000। ये हमारा एक्चुअल में बैलेंस है, ये बैलेंस है। ये कहां से आया? तो बैलेंस से आया। अभी ये सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप हुआ। हो गया कॉपी? क्या था समझने का इसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये लाइन 10% अबव था। बाकी परचेज इधर आता है, सेल्स उधर आता है, वेजेज इधर आता है, आप जानते ही हैं। और क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अभी हम लोग इसको सेकेंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ध्यान से देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितना हुआ, कितना आया था अभी क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक हमारा आया था 1,34,000। इसमें से आप देख लो कितने का सेव किए थे, लेस करेंगे यानी जब फायर लगता है तो कुछ ना कुछ हम लोग सेव करते हैं, और यहां पर आपको सेव दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70,000। 134 में 70,000 चला गया तो बच गया कितना? 64,000। यही हमारा हुआ गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अभी सम्स फिनिश्ड नहीं हुआ है, सेकेंड स्टेप हुआ। अब हम लोग क्या लिखेंगे? एवरेज क्लोज का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इनटू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। पॉलिसी का देखिए वैल्यू दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकला था 1,34,000। और गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितना है? सिर्फ 64,000। देखो कितना आता है, 64 इंटू डिवाइडेड बाय 40 57,313 अप्रॉक्स में आ गया। अप्रॉक्स आप जरूर लिख दीजिएगा। तो देखो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मेरा पॉलिसी तो 1,20,000 का लिया हुआ है लेकिन मेरा तो गुड्स लॉस्ट हुआ सिर्फ 64,000, तो मेरे को इतना सारा पॉलिसी है 1,20,000 का बट गुड्स लॉस्ट हुआ 64,000 पूरा ही मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए आपको पूरा नहीं मिला, कितना मिला? 57,313। तो इसी को एवरेज क्लोज बोलते हैं, और इसीलिए जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो उसमें जो एक एडजस्टमेंट दिया रहता था, और वो एडजस्टमेंट क्या होता था? गुड्स लॉस्ट बाय फायर,
मान लीजिए 10,000 दिया हुआ है बट इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 8,000, तो हम लोग को नहीं पता चलता था 2,000 क्यों कम दिया, क्योंकि वहां पर क्या होता था, एवरेज क्लोज होता था। हो गया कॉपी?